का बन के सहारा, कर्ण जगत उजियारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। निर्बल पे विपदा आई, भक्तों की धीर बंधाई, पल की न देरी लगाई। नेक कर्म से सज के धर्म से पल में संकट टारा। श्याम जी आ गए हैं, श्याम जी आ गए हैं। दीन दुखी और निर्धन ने है जब जब इसको पुकारा। श्याम जी आ गए जैसी हो जिसकी भावना, पूरी करे है मनोकामना। काम है इसका तो बस दुखियों के दुख टालना। ठहरो, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। इन ब्राह्मण पुत्रों को जाने दो। ये तो और भी अच्छा रहेगा। तुम जैसा हट्टा कट्टा इंसान बलि के लिए अति उपयुक्त रहेगा। चलो हमारे साथ। ठहरो, हे ब्राह्मण कुमार, क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती कि तुम अपने माता पिता के प्रेम पर संदेह करते हो? मैं भी तो मजला हूं, पर मेरी माता तो मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कुमार, माता पिता के लिए तो सभी पुत्र एक समान होते हैं। कुमार, मुझे अक्षमा करे भ्राता, क्योंकि मैंने अपने माता पिता के वात्सल्य पर संदेह कर बहुत बड़ा पाप किया है। इसमें केवल तुम्हारा दोष नहीं है कुमार, इसमें सारा दोष आपका है। ब्राह्मण देवता, आपने अपने प्रेम का बंटवारा तीनों पुत्रों में समान रूप से नहीं किया। यदि आपने ऐसा किया होता तो आपके मझले पुत्र में ऐसी भावना कभी पैदा नहीं होती। माता पिता के लिए सभी पुत्र एक समान होने चाहिए। आपका कहना सत्य है, हमारे असमानता के व्यवहार के कारण ही ऐसा हुआ है। हमें क्षमा करें। आओ पुत्र,
मेरे सीने से लग जाओ। पिताश्री। पुत्र। पिताश्री। पुत्र। चलो राक्षस। चलो। हे माता प्रणाम। मैं बलि के लिए एक इंसान को ले आया हूं। अब मुझे आज्ञा दे माता कि इसका क्या करना है। स्वामी आप प्रणाम। स्वामी पुत्र घटोत्कच, ये तुमने क्या अनर्थ किया? ये तो तुम्हारे पिताश्री भीमसेन हैं। क्या? मैं किसी का पिता या स्वामी नहीं हूं। मेरी भेंट चढ़ाकर अपना कार्य पूरा करें देवी, पूरा करें। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आप मेरे पति हैं, मेरे प्राणनाथ हैं। मैं ये घोर अनर्थ कैसे कर सकती हूँ? ऐसी भेंट से तो देवी माँ भी कभी प्रसन्न नहीं होगी। ये तुम्हें किसने कह दिया हडिम्बा कि इंसान की बलि देने से देवी प्रसन्न होगी? ऐसा करके तुम देवी माँ का घोर अपमान कर रही हो हडिम्बा। और तुम्हारा ये पुत्र मेरे अतिरिक्त किसी और को यहां लाता तो वो किसी का पिता या स्वामी नहीं होता? बोलो हडिम्बा। हे स्वामी, मुझे क्षमा करें। मैं सचमुच बहुत बड़ा पाप कर्म करने जा रही थी। मुझे क्षमा करें स्वामी, मुझे क्षमा करें। उठो हडिम्बा। जीवन में मेरी एक बात सदैव याद रखना, कोई भी देवी देवता किसी निर्दोष प्राणी का वध करके उसकी भेंट चढ़ाने से कभी प्रसन्न नहीं होता, अपितु भगवान तो भक्त की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उस पर चढ़ाने के लिए तो पुष्प ही काफी होते हैं हडिम्बा। हे पिताश्री, मुझे भी क्षमा करें, मैं तो इस अपराध में सबसे ज्यादा भागीदार हूं। नहीं पुत्र, तुमने तो अपनी माता की आज्ञा का पालन किया है और एक पुत्र के लिए अपनी माता पिता की आज्ञा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो पिताश्री, क्या आपने अपने पुत्र को क्षमा कर दिया? मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा पुत्र, जब तुम अपना विशाल काय रूप छोटा करके मेरे गले लगोगे। जो आज्ञा पिताश्री। Thank you.
अरे पुत्र, अब तो आप गोद में उठाने योग्य हो गए हो। मुझे तो गले लगना है पुत्र। जो आज्ञा पिता श्री। स्वामी, इन जंगलों में पुनः कैसे, और वो भी ब्राह्मण के वेश में? हाँ हडिम्बा, ये एक बहुत लंबी कहानी है। तुम बस इतना जान लो कि हमारे साथ एक बार फिर छल हुआ है। एक षड्यंत्र के तहत हम जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए और हमें बदले में 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना है। इसलिए हम पांचों भाई और द्रौपदी इसी जंगल में ठहरे हैं। हे स्वामी, मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है आप ये वनवास मेरे पास व्यतीत करें। इससे मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। पुत्र घटोत्कच, तुम अपने ज्येष्ठ पिताश्री व रानी द्रौपदी सहित सभी को यहां ले आओ। जी माता। नहीं पुत्र हडिम्बा, ये वनवास हम आपके पास व्यतीत नहीं कर सकते, क्योंकि हमें और भी कई स्थानों का भ्रमण करना है, तथा हमारे अज्ञातवास के बाद एक महायुद्ध होगा। उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की दैवी शक्तियों का सृजन कर अपने बल व अस्त्र शस्त्रों में वृद्धि करनी है। हे पिताश्री, मेरी काफी दिनों से अपने ज्येष्ठ पिताश्री धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, अति पराक्रमी नकुल सहदेव को देखने व उनसे आशीर्वाद लेने की प्रबल इच्छा है। हे स्वामी, अपने पुत्र को अपने साथ ले जाकर उनकी ये इच्छा पूर्ण करें। चलो पुत्र, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। भ्राताश्री भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। चलो पुत्र। प्रणाम स्वामी। अपना ध्यान रखना हडिम्बा। चलो पुत्र। पिताश्री, इस तरह से चलने से तो काफी समय लग जाएगा। आइए पिताश्री, मैं आपको शीघ्रता से ले चलता हूं। वो कैसे पुत्र? आइए पिताश्री।
ये क्या भ्राता युधिष्ठिर? भ्राता भीम को ये किस राक्षस ने उठा रखा है? सचमुच ये तो बड़ा ही भयंकर विशालकाय राक्षस है। मैं अभी अपने गांडीव से भ्राता भीम को इस राक्षस से मुक्त करवाता हूं। ठहरो प्रिय अर्जुन, तुम्हें गांडीव चलाने की आवश्यकता नहीं है। भीमसेन के मुख पर फैली मुस्कान को देखकर ये प्रतीत होता है कि ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना ही बंधु है। आओ पुत्र। पुत्र? हाँ भ्राता युधिष्ठिर, ये पुत्र घटोत्कच है। क्या? ज्येष्ठ पिता श्री धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में पुत्र घटोत्कच का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। वाह, तुमने तो अनुज भीम की तरह ही वज्र का बलशाली शरीर प्राप्त हुआ है। होगा भी क्यों नहीं धर्मराज, आखिर पुत्र किसका है। पांडव कुल की आन, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी पिता श्री अर्जुन के चरणों में पुत्र घटोत्कच का प्रणाम। सदा सुखी रहो पुत्र, तुम्हारा यश व कीर्ति पूरे संसार में फैले। तुम जैसे बलशाली पुत्र को पाकर हमें बहुत गर्व हुआ। प्रणाम पिता श्री नकुल। विजयी भव पुत्र।
तुम्हारे बल व पराक्रम को ये संसार सदैव याद रखेगा। प्रणाम पिता श्री सहदेव। पुत्र, तुम अपनी वीरता व गुणों के कारण पांडव कुल का नाम रोशन करोगे। इतिहास में तुम्हारा नाम बड़े ही आदर से लिया जाएगा। पुत्र घटोत्कच, हम सबके परम आदरणीय द्वारकाधीश श्री कृष्ण से आशीर्वाद लो। प्रणाम भगवान। उठो भीम पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। हे भगवान, हे वसुदेव, हे चक्रधारी, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। माता हिडिंबा से मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। बाल्यकाल से ही मेरी इच्छा आपके दर्शनों की थी। माता हिडिंबा तो हर समय आपकी भक्ति में लीन रहती है वसुदेव। हमें सब ज्ञात है पुत्र घटोत्कच, देवी हिडिंबा तो सचमुच ही त्याग की मूर्ति है। उसने तो अपने प्रिय पति के संग रहने का सुख छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन तप और भक्ति में लगा दिया। उनके हृदय में तो हम लोगों के प्रति निश्चल प्रेम व अटूट श्रद्धा है। और ये तुम्हारा सौभाग्य है पुत्र, जो तुमने देवी हिडिंबा जैसी माता की कोख से जन्म लिया। और ऐसी माता तो बहुत विरले को ही मिलती है। आपका कहना सर्वथा उचित है भगवान, ऐसी देवी तुल्य माता विरले ही मिलती है। परंतु इस समय मेरे हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हो रहा है वसुदेव, बहुत क्रोध। क्रोध? वो क्यों पुत्र? मैं आपके अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। ज्येष्ठ पिता श्री, मुझे ज्ञात है कि आपको एक षड्यंत्र के द्वारा ये वनवास प्राप्त हुआ है। आप आदेश करें पिताश्री, मैं अभी दुर्योधन सहित समस्त करु वंश को बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल देता हूं। फिर आप जो चाहें उन्हें दंड दे सकते हैं। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें ऐसा कोई आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि अभी उपयुक्त समय नहीं आया है। आने वाले समय में धर्म व अधर्म के बीच एक महासंग्राम होगा, तब हमें तुम्हारी आवश्यकता होगी। तो पिताश्री, अब आपके इस पुत्र घटोत्कच के लिए क्या आज्ञा है? हे केशव, पुत्र घटोत्कच अब तरुण हो गया है। मैं चाहता हूं मेरे इस बलशाली व गुणी पुत्र को इसके योग्य ही वधु प्राप्त हो। आप तो सर्वज्ञ हैं, इसलिए हे भगवान, इसके योग्य स्त्री कौन हो सकती है? हे धर्मराज युधिष्ठिर, घटोत्कच के योग्य तो एक बड़ी सुंदर व सुशील स्त्री है, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर नामक नगरी में निवास करती है, और जिसका नाम कामकंटकटा है। कामकंटकटा? परंतु वासुदेव, ये किस कुल से संबंध रखती है और ये किस प्रकार से पुत्र घटोत्कच के लिए उपयुक्त है? यह कामकंटकटा अद्भुत पराक्रमी और अति बलशाली दैत्य मुर की पुत्री है। दैत्य मुर बलशाली होने के साथ साथ बड़ा ही अधर्मी व पापी था। वह ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। वह स्वयं को भगवान समझने लगा तथा जो कोई उसे ईश्वर नहीं मानता था तो वो उसे कठोर यातनाएं देता था, बहुत कठोर।
जब उस दुष्ट पापी दैत्य मूर के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो मुझे उसका वध करना पड़ा। इस प्रकार मेरे ही हाथों दैत्य मूर का वध हुआ और इसी कारण मेरा नाम कृष्ण मुरारी हुआ। किंतु जब मैं मूर दैत्य का वध कर जाने लगा तो उसी क्षण उसकी पुत्री कामकंटकंटा यानी मोरवी ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा। तुम मेरे पिताश्री का वध करके जीवित वापस नहीं जा सकते। ये दैत्य मूर की पुत्री मोरवी तुम्हें युद्ध के लिए आमंत्रित करती है। देवी, तुम ऐसा करके बहुत भारी भूल कर रही हो। मैं चाहूं तो क्षण भर में तुम्हारा भी वही हश्र कर सकता हूं जो तुम्हारे पिता दैत्य मूर का किया है। किंतु तुम एक स्त्री हो और एक क्षत्रिय को स्त्री से युद्ध करना कदापि शोभा नहीं देता, इसलिए हे देवी तुम जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। अपनी कायरता को महानता का रूप न दो दुष्ट। तुम्हें शायद मेरी शक्ति के बारे में ज्ञात नहीं। मेरी इस शक्तिशाली खड्ग ने न जाने कितने दैत्य दानव वे बड़े बड़े शूरमाओं के सिर धड़ से अलग किए हैं। और अब तुम्हारी बारी है वासुदेव। अरे ओ अधर्मी पिता की दुष्ट संतान, लगता है कि तुम्हारा वध भी मेरे हाथों से होना लिखा है। तो ये ले। Yeah!
और कोई शक्ति शेष बची हो तो उसका भी प्रयोग करो वासुदेव। अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसकी ये अद्भुत खड़क तो बहुत शक्तिशाली है। लगता है अब तो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठहरो। हे वासुदेव कृष्ण, आप मोरवी पर सुदर्शन चक्र न चलाएं। मैं कामाख्या देवी हूँ। मैंने स्वयं ही इसे ये शक्तिशाली खड़क प्रदान की है। अगर तुमने इसका वध किया तो ये मेरा अपमान होगा। हे देवी कामाख्या, आपके द्वारा प्रदान इस खड़क के द्वारा तो मोरवी ने मेरे समस्त शस्त्रों का विनाश कर दिया। अब मेरे पास सिवाय सुदर्शन चक्र से इसका वध करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं बचा, क्योंकि ये बार बार मुझे युद्ध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। हे पुत्री मोरवी, तुम जिससे युद्ध कर रही हो वो तो साक्षात भगवान विष्णु हैं, जिन्हें कोई भी योद्धा किसी भी प्रकार से नहीं मार सकता। तीनों लोकों में ना तो कोई ऐसा वीर पैदा हुआ है और न ही होगा जो युद्ध में इनसे विजय प्राप्त कर सके। अतः तुम इन्हें प्रणाम कर युद्ध से हट जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारे पिताश्री की मृत्यु इन्हीं के हाथों से लिखी थी, जो अब मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। हे पुत्री, तुम्हारा विवाह भी इनके भ्राता भीमसेन के पुत्र घटोत्कच से होना लिखा है। क्या हे वासुदेव कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे क्षमा करें। हे भगवान, मैंने आपका अपमान किया। मैं आपके इस रूप से अनभिज्ञ थी। मुझसे ये सब क्रोधवश हो गया। मुझे क्षमा करें भगवान, मुझे क्षमा करें। हे देवी मोरवी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कभी कभी इंसान क्रोधवश होकर अपना मानसिक संतुलन खो देता है, तब उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहता। तुम्हारे पिताश्री की मृत्यु के पश्चात तुम्हारे साथ भी यही सब हुआ, जो कि स्वाभाविक था। तो इस प्रकार पुत्र घटोत्कच का विवाह मोरवी के साथ होना लिखा है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त पर? हाँ, शर्त पर। मोरवी ने अपने स्वयंवर में ये शर्त रखी है कि जो कोई वीर योद्धा उससे ऐसा प्रश्न करेगा जिसका उत्तर स्वयं मोरवी भी ना दे सके, तो वो उससे विवाह करेगी।
और अगर जो कोई ऐसा करने में असफल रहा तो वो उसी खड़ग से उसका सिर उतार कर महल के द्वार पर लटका देगी। और ऐसे कई असफल योद्धाओं के सिर उसके महल के द्वार पर लटक भी रहे हैं। क्या हे केशव, तो फिर पुत्र घटोत्कच का वहां जाना उचित नहीं? कहीं ये मौरवी की स्वयंवर की शर्त को पूरा न कर सका तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं भ्राता युधिष्ठिर, पुत्र घटोत्कच तो जन्म से ही बहुत सी शक्तियां अपने साथ लेकर पैदा हुआ है, और फिर देवी हिडिंबा ने इसे हर तरह से शिक्षा दीक्षा देकर प्रवीण भी कर रखा है। भ्राता युधिष्ठिर, मोरवी अति शक्तिशाली स्त्री है और पुत्र घटोत्कच भी, और जब दो शक्ति संपन्न सभ्यताओं का विचारों का आपस में मेल होता है तो वो महान शक्ति उत्पन्न होती है जिसके आने का इंतजार तो ये पृथ्वी युगों युगों से कर रही है। इनका होने वाला पुत्र इतना शक्ति संपन्न व अद्भुत होगा जो मेरे नाम को भी अमर कर देगा। अतः हे हिडिंब कुमार, तुम बिना विलंब किए प्रस्थान करो। परंतु केशव। परंतु क्या भ्राता श्री? भगवान कृष्ण ने जो बात कही है वो अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली सत्य और उत्तम है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि घटोत्कच मौरवी को अवश्य प्राप्त करेगा। और भ्राता, कामाख्या देवी ने भी तो इस बात की पुष्टि की है जो असत्य व निरर्थक नहीं हो सकती। हे पुत्र घटोत्कच, मैं इस विषय में तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। हे ज्येष्ठ पिताश्री, पूजनीय पुरुषों के आगे अपने गुणों का वर्णन करना उचित नहीं। सूर्य की किरणें और उत्तम गुण तो व्यवहार में आकर ही प्रकाशित होते हैं, और मुझे ये भी ज्ञात है कि मेरा जन्म जिस पांडव कुल में हुआ है उनका नाम वीरो महारथियों की सभा में बड़े आदर से लिया जाता है, और मैं आपको इस बात का वचन देता हूं कि आपके इस पुत्र के कारण आपको कभी सत्पुरुषों की सभा में लज्जित नहीं होना पड़ेगा। अब मुझे प्राग ज्योतिष नगरी जाने की आज्ञा दे। प्रणाम। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी भव पुत्र, अपने कार्य में सफल होकर ही लौटना पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम वासुदेव। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। और हाँ पुत्र, मोरवी से कोई भी प्रश्न करने से पहले मेरा स्मरण अवश्य कर लेना, मैं तुम्हारी बुद्धि को और तीव्र कर दूंगा। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ पुत्र, अब तुम प्रस्थान करो। प्रणाम वासुदेव।
हे द्वारपाल, दैत्य मूर्ख की पुत्री राजकुमारी मौरवी से जाकर कहो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हे वीर पुरुष, क्या मैं आपका परिचय व आने का कारण जान सकता हूँ? क्यों नहीं द्वारपाल, मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन पुत्र घटोत्कच हूँ और तुम्हारी राजकुमारी मौरवी से विवाह करने आया हूँ। हे राजकुमार, हमारी राजकुमारी मौरवी से विवाह की आशा लेकर तो तुमसे भी पहले न जाने कितने ही वीर व सुरमा यहाँ आ चुके हैं, और वो देखो, उन सब के कटे हुए शीश इस महल के द्वार पर लटक रहे हैं। क्या तुम भी ये चाहते हो राजकुमार कि तुम्हारा शीश भी हमारे महल की शोभा बढ़ाए? द्वारपाल, तुम्हें जिस कार्य के लिए यहाँ नियुक्त किया गया है वो करो, जाकर हमारा संदेश तुम्हारी राजकुमारी को दो, वरना। जो आज्ञा राजकुमार, मैं अभी जाता हूँ। राजकुमारी मौरवी की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? हे राजकुमारी, महल के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर व वीर पुरुष आपसे विवाह की इच्छा लेकर आया है, और उसने अपना नाम भीमसेन पुत्र घटोत्कच बताया है। घटोत्कच? हे पुत्री मौरवी, तुम्हारा विवाह भी इनके भ्राता भीमसेन के पुत्र घटोत्कच से होना लिखा है। राजकुमारी जी, हाँ? मेरे लिए क्या आदेश है? द्वारपाल, तुम जाओ, उनसे कहो कि हम स्वयं भेंट करने आते हैं। जो आज्ञा राजकुमारी। हे वीर पुरुष, आप तनिक इंतजार करें, हमारी राजकुमारी समय आपसे भेंट करने यहीं आ रही हैं।
राजकुमार, अपने आने का कारण बताओ। मेरे पितृ स्वरूप श्री कृष्ण ने मेरे लिए योग्य स्त्री को ही बतलाया है। हे राजकुमारी, मैं पांडव कुलभूषण भीमसेन का पुत्र घटोत्कच हूं और भगवान श्री कृष्ण व अपने पितृ वर्ग के आदेश से आपसे विवाह करने आया हूं। तो आपको वासुदेव कृष्ण ने भेजा है, तो उन्होंने आपको ये भी बताया होगा कि हमारे स्वयंवर की क्या शर्त है। जी हाँ राजकुमारी, उन्होंने बताया है कि आपसे विवाह के लिए कोई ऐसा प्रश्न करना होगा जिसका उत्तर स्वयं आपके पास ना हो, और जो कोई ऐसा करने में असफल रहता है तो मैं उसका शीश काटकर अपने महल के द्वार पर लटका देती हूँ। बहुत से राजाओं के शीश हमारे महल के द्वार पर लटक रहे हैं। क्या ये नहीं बताया वासुदेव ने आपको? ये उन्होंने बताया भी, और मैं स्वयं अपनी आंखों से इन लटके हुए शीशों को देख भी रहा हूं। और इस सब के बाद भी तुम दैत्य पुत्री मोरवी के समक्ष खड़े हो? लगता है तुम्हारा अपने प्राणों से मोह भंग हो गया है। हे वीर पुरुष, तुम महान पांडव कुल से संबंध रखते हो, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि मेरे हाथों तुम्हारा वध हो, और तुम्हारा शीश भी हमारे महल के द्वार की शोभा बढ़ाए, इसलिए यहां से चले जाओ। राजकुमारी मोरवी, मेरी शिक्षा दीक्षा मेरी माता हिडिंबा के द्वारा हुई है, और उन्होंने मुझे यह सिखाया है कि एक अक्षत्रिय को बिना लड़े हार नहीं माननी चाहिए, फिर वो चाहे रणभूमि हो या स्वयंवर हो। और उनकी दी हुई इसी शिक्षा के कारण आज 60 करोड़ दैत्य मेरे अधीन हैं। मैं आपसे यहां विवाह करने आया हूं, और ये विवाह हमारे कुल की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तो ठीक है हिडिंबा पुत्र, कोई ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर मेरे पास न हो। अगर ऐसा करने में तुम सफल रहे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह कर आजीवन तुम्हारी सेवा करूंगी, और तुम ऐसा न कर सके तो मैं अपनी शक्तिशाली खड्ग से तुम्हारा शीश उतार दूंगी। हे वासुदेव कृष्ण, मेरी बुद्धि को तीव्र कर मुझे शक्ति प्रदान करें। हे मौरवी, मेरा प्रश्न यह है कि मान लो किसी स्त्री के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा दुष्ट निकला। उस युवक की विवाह के बाद एक पुत्री हुई, लेकिन पत्नी की मृत्यु हो गई। तब पिता ने नन्ही सी पुत्री की रक्षा एवं पालन पोषण किया। वह कन्या जब जवान हुई तो उसके पिता का मन उसके प्रति भटक गया, और उस पापी ने अपनी ही पुत्री से कहा, प्रिय तुम तो मेरे पड़ोसी की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहां लाकर दीर्घ काल तक तुम्हारा पालन पोषण किया है, अतः अब तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो। उसके ऐसा कहने पर उस लड़की ने ऐसा ही किया तथा उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात उनके यहां एक कन्या उत्पन्न हुई। अब तुम ये बताओ कि वह कन्या उस व्यक्ति की क्या लगी, पुत्री अथवा दोहत्री?
बताओ राजकुमारी, बताओ राजकुमारी मौरवी, चुप क्यों हो? हे हिडिंब कुमार, मैं परास्त हुई। तुम्हारे इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं, किंतु किंतु मेरी इस खड्ग से तुम अब भी नहीं बच सकते। राजकुमारी मौरवी, तुमने मुझ पर वार करके अपने स्वयंवर की शर्त को तोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं था और तुम अपने मुख से ही अपनी प्राज्ञ भी स्वीकार कर चुकी थी। ये कायरता है राजकुमारी, छल है। नहीं हिडिंब कुमार, ये कायरता या छल नहीं, मैं बुद्धि में तुमसे परास्त हो चुकी थी और तुम्हारा बल देखना चाहती थी। जिस खड्ग के वार को बड़े बड़े दैत्य वीर सूरमा, यहां तक कि स्वयं वासुदेव कृष्ण भी नहीं रोक सके, तुमने ऐसा करके हमें बल में भी परास्त किया है। क्योंकि मैं ऐसे ही योद्धा से विवाह करना चाहती थी जो मुझे बुद्धि व बल दोनों में प्रास्त कर सके। राजकुमारी मौरवी, क्या हमें आपसे विवाह करने के लिए और भी कोई परीक्षा देनी होगी? हम उसके लिए भी तैयार हैं। नहीं राजकुमार, तुम मेरे स्वामी बनने योग्य हो। ये लो। मन से तो मैं तुम्हें अपना स्वामी मान चुकी हूँ, किंतु सामाजिक जीवन में विवाह की जो औपचारिकताएं शेष हैं, उन्हें इन पुष्पमालाओं से पूर्ण करो, ताकि मैं 7 जन्मों तक आपकी अर्धांगिनी बनकर आपकी सेवा करूँ। मौरवी, ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम जैसी सुंदर, सुशील व वीरांगना पत्नी मिली। नहीं स्वामी, ये कहकर तो आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे पांडव कुल की पुत्रवधु कहलाने का अवसर मिला। हे प्रिय, अब हमें हिडिंब देश चलना होगा। माता हिडिंबा हमारी प्रतीक्षा में पलके बिछाए बैठी होंगी। हमें चलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। चलो रानी। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी, चलिए। मैं माँ हूँ, धरती माँ, तो इस प्रकार भीमसेन पुत्र घटोत्कच तथा उनकी रानी मौरवी अपने पांडव पितृ से तथा भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त कर
हिडिम देश पहुंच जाते हैं। माता हिडिम्बा अपनी पुत्र वधु को देख अति प्रसन्न होती है तथा उसे एक पुत्र का आशीर्वाद दे स्वयं तप भक्ति करने एकांत स्थान पर चली जाती है और तपस्या में लीन हो जाती है। घटोत्कच तथा मोरवी आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहने लगते हैं। अब मुझे वासुदेव कृष्ण के वो शब्द याद आ रहे हैं जो उन्होंने घटोत्कच को कहे थे कि जब दो शक्ति संपन्न सभ्यताओं का, व्यक्तियों का, विचारों का मेल होता है तो उससे महान शक्ति जन्म लेती है और जिस बालक की प्रशंसा स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण करें तो वो कोई साधारण बालक तो नहीं हो सकता। भगवान वासुदेव के श्री मुख से उस बालक की प्रशंसा सुनकर मेरा मन भी चमत्कारी पुत्र को देखने के लिए बेचैन था। ठीक 9 माह पश्चात मोरवी के गर्भ से उस तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और उसने तो जन्म से अपने चमत्कार दिखाने शुरू भी कर दिए। देखो ना स्वामी, कितना सुंदर है मेरा पुत्र। ये तो बिल्कुल आप पर गया है। देखिए ना। आखिर पुत्र भी तो हमारा है। कहाँ गया मेरा पुत्र? अरे ये क्या स्वामी? ये तो जन्म लेते ही युवा हो गया। सचमुच 9 माह तक मुझे अपने गर्भ में रखने वाली हे मेरी जननी माता, अपने पुत्र का परिणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। हे मेरे देवतुल्य पिताश्री, आपके चरणों में भी अपने इस पुत्र का परिणाम। तुम्हारा कल्याण हो मेरे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु पुत्र, ये कैसा आश्चर्य है, तुम पैदा होते ही सीधे कैसे युवावस्था में पहुंच गए? हाँ पुत्र, ये तो सचमुच आश्चर्य है। मुझे तो अपने नेत्रों पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम युवा हो गए हो। हे मेरी माता श्री, आपके नेत्रों ने जो कुछ भी देखा है वो पूर्णतया सत्य है। मुझे जन्म लेते ही युवावस्था में आना पड़ा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म इस धरा पर हुआ है उसके लिए मुझे बाल्यकाल का त्याग करना पड़ा। अतः हे पिताश्री, इसे आश्चर्य नहीं बल्कि आवश्यकता समझिए। परंतु पुत्र, एक माता की तो ये हार्दिक इच्छा होती है कि वो अपने पुत्र को गोदी में उठाए, उस पर अपनी ममता का, अपने लाड प्यार का अनमोल खजाना लुटाए। एक माता के लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं होता पुत्र। तुमने युवा अवस्था ग्रहण कर मुझे इस अपार सुख से वंचित कर दिया पुत्र। हे मेरी जननी माता, मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं।
कि मैंने आपको मातृत्व के उस महान सुख से वंचित कर दिया। किंतु माता, आप शायद ये भूल रही हैं कि न तो आप साधारण माता हैं और न मैं साधारण पुत्र। और जब जब इस पृथ्वी पर कुछ असाधारण घटित होता है तो वो अवश्य ही आने वाले युग के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। हे माता श्री, हे पिता श्री, माता पिता पुत्र के आदि गुरु अर्थात प्रथम गुरु भी होते हैं। अतः मैं आप दोनों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरा नामकरण करें। मैं इस संसार में किस नाम से जाना जाऊंगा?